कैथल पुलिस ने अवैध शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। एक शराब का ट्रक सरकारी टैक्स चोरी करके कैथल लाया जा रहा था। इसकी सूचना पुंडरी पुलिस को मिली तो पुलिस ने ट्रक को रुकवा कर हिरासत में ले लिया। ट्रक में देसी शराब माल्टा मस्ती की 1200 पेटियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि यह ट्रक बादशाह करनाल स्थित शराब की फैक्ट्री से चला था और कैथल L13 में पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार करीब 4.5 लाख रुपए सरकारी फीस की चोरी कर रहा था। यह ट्रक अनिल चहल एंड कंपनी का बताया जा रहा है। इससे पहले कितने और ट्रक इस प्रकार ठेकेदार ने मंगवाए हैं, यह भी जांच का विषय है। इस समय रात के 8:30 बज चुके हैं और हम इस समय मौजूद है कैथल के पुंडरी हल्के के पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर एक सूचना निकलकर सामने आ रही है HR690895 नंबर का एक ट्रक जो पुलिस के द्वारा यहां पर पकड़ा गया है। और इस ट्रक में बताया जा रहा है भारी मात्रा में जो शराब है वो पकड़ी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और इसे ट्रक को अभी जो थाने में लेके पुलिस पहुंच चुकी है और जो औपचारिकता है वो जो धाराएं हैं वो लगाई जा रही है। और हम आपको बता दें जो यह ट्रक है वो रूट जो गलत रूट को रूट पे ले जाया जा रहा था, जिसको लेकर जो सरकार का टैक्स चोरी का यह मामला बताया जा रहा है, इस पर जो कार्रवाई होगी वो अंदर अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो कल शाम को हमने 52-120 पर से सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ से एक कैंटर था, ट्रक था, उसमें सूचना मिली थी कोई ये दारू है उसमें, तो हमने उसको काबू में कर लिया, उसको थाने में लेके गए, FIR कर ली है। 359 नंबर FIR है ये पुंडरी थाने में, और उसका जो ड्राइवर था वो सतवीर है, भाणा का है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 1200 पेटी है टोटल अभी तक जो हमारी जांच में आया। आज उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसका रिमांड लेंगे आगे, वो कहाँ से दारू लेके आया है और तय तक पहुँचेंगे, जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार। कौन सी शराब और मामला किसके ऊपर दर्ज किया गया? ये माल्टा भी है, पौवे भी हैं, ये सतवीर के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर था ना, अभी उससे ये तो रिमांड लेके गहनता से पूछताछ करेंगे, कोई वो किसका माल था, कहाँ से लेके आया, कहाँ जा रहा है। हमने बाउंड्री ढांड की तरफ से आ रहा था जब इसको काबू में किया। नहीं, अभी तो आज उसको पकड़ा है, हम उसका रिमांड का लिखेंगे, उसके तय तक जाएंगे, जो भी जिसपे भी फैक्ट्री गोदाम जहाँ से भी ये माल चढ़ा है, हम उसको भी जो आरोपी होगा उसको जरूर सजा देंगे। 1200 पेटी है टोटल, इसमें पूरी बोतल भी 800 पेटी तो ये माल्टा वाली संतरा वाली, और 200 पेटी पौवे वाली है। और भी कोई कागज वगैरह नहीं दिखा पाए सर? नहीं, इनके पास अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा पाया। चोरी वगैरह का मामला वो सर अभी तो ये एक्साइज एक्ट में पर्चा दर्ज किया है। जैसे ही फैक्ट्री से माल निकलता है तो वहाँ बकायदा गेट पे पूरी चेकिंग होके माल, वो वही तो क्या कमियाँ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा पाया उसको, इसीलिए तो उसका रिमांड लेंगे और उसके गहनता से पूछताछ करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको आगे। कहाँ से लेके आया, कहाँ लेके जा रहा था? अभी तो उसने जांच का विषय, हमने तो वही अभी गोड़ मोड़ जवाब दे रहा है, क्लियर जवाब नहीं पड़ रहा है। ये 52-100 पर से जो डांड की तरफ से आते हैं ना, वहाँ से पकड़ा है। उसमें FIR एक ही परमिट पे वो जांच का विषय है उसका, वो भी देखेंगे अगर एक परमिट पे, अभी ऐसा उसने हमें कुछ नहीं बताया। जो भी धारा इसमें ऐड होगी तो मैं इसकी फाइल भी मंगाऊंगा अपनी तरफ से, इसकी तस्दीक करके, और जो भी धारा लगेगी मैं इसकी स्क्रूटनी करके आगे इसमें जरूर अंदर जाएगा कोई भी।